वाहिगुरु जी की फतेह। जो भारत सरकार वालों खेती के विरोध के तीन काले कानून पास किए गए हैं उन्होंने रद्द करवाने के वास्ते जो समूह किसान जथेबंदियों ने मिल करके दिल्ली के बॉर्डर के उपर धरना लगाया गया है, जिस दे सारे ही जो किसान मजदूर आरती हर वर्ग के जोड़े लोग हैं हमायत कर रहे हैं। उत्थे ये आनंदपुर साहब की धरती जो साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने वसाउणा की जिथों जुल्म का नाश होया उस अस्थान तो तख्त श्री केसगढ़ साहब जी छाया के हेठ दास वालों लंबे समय तो भुख हड़ताल का जो प्रोग्राम उलीकिया गया भगत रविदास चौंक के और जरा जो हड़ताल है लगातार चल रही है उस हड़ताल को होर हलूणा देने दे वास्ते उसकी हमायत करने दे वास्ते अज जो तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी के समूह रागी सिंह कीरतपुर साहिब जी के समूह रागी सिंह जो हैं उन्होंने अज रोस मार्च करने का जो प्रोग्राम उलीकिया सो तख्त साहब विखे अरदास बेनती जो जी की गई है। ये जो रोस मार्च है इतों तख्त श्री केसगढ़ साहिब तो प्रारंभ हो करके बस अड्डा बस अड्डे तो कचहरियाँ कचहरियों के गुरद्वारा शीशगंज साहब इस तरह सारे ही शहर के हुंदा होया अखीर जिथे भगत रविदास चौंक जिथे भुख हड़ताल चल रही है उत्थे जा करके ये समाप्त होगा। और मैं मोदी सरकार नूं इतों ये सुनेहा देना चाहुंदा कि ए मोदी सरकार जो ये तू तीन काले कानून लियांदे आ जो किसान ने धरना लगाया इन्हां किसानां दा जिहड़ा आप हुण होर बहुता जिहड़ा बाहुबल ये ना तकना कर देखना कर अते चुप करके ये जिहड़े तीन काले कानून है इहनूं रद्द कर अते जे जिस करके ये समूह किसान जिहड़े आ अपनी जित दे डंके नगारे वजाउंदे होए अपने घरां नूं वापस परतन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो तीनों काले कानून है अजे तक साडे प्रधानमंत्री रद्द नहीं कर रहे, वार वार किसानों की मीटिंग रख रहे हैं पर उहदा सिट्टा जिहड़ा उह कोई नहीं निकल रहा, क्योंकि सिर्फ तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जिहड़े ने अपनी जित ते अड़े हुए ने। कदे भी यह नहीं होया कि कोई देश का जिहड़ा मुख चलाउण वाला देश नूं उह जिद ते अड़ जावे। ये एक डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा उलंघना हो रही है। अजे तक साडे प्रधानमंत्री साहब नूं शर्म ही नहीं आ रही कि कम से कम जदों भी गल करते हैं कहिंदे ने मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, बल्कि देश तो अंबानी तो अंडानी के हाथ में बेच चुका है। वो तो पहला ही कहता कि मैं चौकीदार हाँ, वाकई चौकीदार बन के काम कर रहा, जे वो अंबानी अडानी का चौकीदार ना होंदा तो कदे ये गल ना कहिंदा कि मैं चौकीदार हाँ। दूजी गल ए कि वो कहिंदा मन की बात सुनो, दसो उस मन की बात जिहड़ी आ पब्लिक की सुननी आ, वो लोकतंत्र की सुननी, वो तो सुन नहीं रहे तो कितों जिहड़ा देश का भला हो सकता, देश नूं बिल्कुल ਥੱਲੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਬਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।